वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले सप्ताह बजट पेश करने जा रही हैं। आगामी बजट जो है वो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। फरवरी 2024 में जो बजट आया था वो अंतरिम बजट था। सरकार जो है वो 22 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन जो है वो शुरू करने जा रही है और उसके अगले दिन यानी कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण अपना पूरा बजट पेश करेंगी। रेल बजट से इस बार लोगों की उम्मीदें बड़ी हैं। पैसेंजर की हर बार की तरह इस बार भी ये उम्मीद है कि टिकट कंफर्म हो और समय पर ट्रेन मिल जाए। लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस बजट में नई ट्रेनों का ऐलान कर सकती है। दरअसल ट्रेन यात्रियों के सामने टिकट की समस्या सालों से खड़ी है और उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। कई रूट पर महीनों बाद की टिकटें पहले ही बुक हो जाती हैं। ऐसे में रेल यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नई ट्रेनें शुरू कर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। हाल फिलहाल में हुई कई रेल दुर्घटनाओं ने रेल सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा किया है। बजट में रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के उपायों का भी ऐलान किया जा सकता है।